जय हिंद, आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या हुआ कि आप लोग इसके पहले असम राइफल के रिगार्डिंग वीडियोस बहुत सारा देखते हुए आ रहे थे, अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करने की ज़रूरत है। हालांकि आपका 1 सितंबर से तो रैली शुरू हो जाएगा, तो बीच में थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा और भी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में अपडेट देना है चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ असम राइफल के पीछे मत लगे रहिए। आपको मैं स्ट्रेटेजी क्या बताया था कि फिजिकल करिए, फिजिकल के साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि फाइनल जो आपको मेरिट लिस्ट में लाएगी, आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजेगी, जैसे कि 751 लोगों के ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया है असम राइफल में 2021-22 की जो भर्ती थी, तो उसी तरीके से आपका जो है कि रिटर्न का ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहम रोल था, रिटर्न एग्जामिन का आपको मेरिट लिस्ट में फाइनली सिलेक्ट कराने के लिए। तो ओवरऑल क्या है कि आपको मेहनत करना होगा रिटर्न के लिए, क्योंकि आपका जो भी आगे जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करूंगा, बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ, एएसआई, स्टेनो और एचसीएम के बारे में बात होगा कि आप कैसे इसका क्या कब एग्जाम होगा, क्या आपका रणनीति रहना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए किस हिसाब से, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके, थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प मिल सके। तो इसमें आपका क्या है, जो बीएसएफ की बात कर रहा हूं, एएसआई का 11 सीट था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका 312 सीट था 2021-22 का यह नोटिफिकेशन, इसमें मेंशन किया गया। अभी 2022 में ही इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके 17 एग्जामिनेशन सेंटर, आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आपको सोचना ना पड़े कि मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका पास में नहीं है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी दूर है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कम से कम करिए, ठीक है, कि आप इतना तो रहे कि हाँ मैं मुझे एग्जाम देने जाना चाहिए, मैं इस हिसाब से प्रिपरेशन हो रखा है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्यों सिलेक्शन प्रोसीजर को बता रहा हूं, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, रिटन एग्जामिनेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला दो फेज है, पहले फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट फेज में आपका क्या है, पीईटी पीएसटी है। तो पीईटी पीएसटी हो जाएगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, तो यह सब आपका हो गया। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए अभी आपका क्या है, आज 26 अगस्त है ना, 26 अगस्त है, तो आपको क्या करना है कि आपका ये पेपर कब होगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का मोस्ट प्रोबेबली जो चांस बन रहा है आपका बीएसएफ का, कि आपका नवंबर के मिड में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसी के बीच में आपका नवंबर मिड तक आपका एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि 15 तारीख के लगभग का आप मान लीजिए, यही आपका एक्सपेक्टेड डेट है। तो अब देखिए आपका क्या है कि 15 तारीख को मान लीजिए मिड नवंबर 15 नवंबर को है, और आपका असम राइफल का कब चल रहा है, असम राइफल का आपका रैली चल रहा है सितंबर और अक्टूबर तक 2 महीने आपकी रैली चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर में आपका इसका भी असम राइफल का भी एग्जाम होगा। अब क्लर्क वाले जितने भी हैं, क्लर्क वालों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि उनका देखिए टाइपिंग भी बना हुआ है। अभी वो कुछ लोग बोलेंगे ना, एक बार किस चीज़ का स्पेलिंग, किसी का दीपू का, हफलोंग का, कहीं दीमापुर का शायद स्पेलिंग कुछ गलत हो गया, तो बोल रहे थे स्पेलिंग तो लिखने आता ही नहीं है। तो हाँ, टाइपिंग का देख लिया जाए तो टाइपिंग भी बना हुआ है, जो असम राइफल के क्लर्क के लोग हैं, ठीक है, टाइपिंग भी बना हुआ है, रनिंग भी आपका बना हुआ रहेगा, और ये लास्ट में आपका क्या हो गया, रिटर्न का भी, यानी कि इन लोगों के लिए एआर क्लर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे शायद ना दिख रहा हो आपको इस जगह पे, तो यह क्या है कि एआर क्लर्क के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपका 15 तारीख को किया है बीएसएफ, एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ये क्या है कि एग्ज़ाम डेट है आपका, एग्ज़ाम डेट हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या है कि अक्टूबर तक रैली चलेगा, नवंबर में आपका क्या होगा, इसका भी एग्ज़ाम होगा। तो नवंबर में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दो तरफ से बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपका क्या है DPHCM दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, ITBP का हो गया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा। अभी इसमें आपका यह देखिए बीएसएफ का है, तो
BSF का आपका मान लीजिए 15 तारीख तक आप मान लीजिए है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए DPSCM ITBP का हो गया, ITBP के बाद आपका कौन सा आ जाता है कि BSF हो गया, BSF हो गया, असम राइफल का हो गया, SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो गया, सशस्त्र सीमा बल का, इसमें तो फिजिकल मान लीजिए पहले होगा, नहीं तो आपके यह दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का डेट शेड्यूल हो गया है ना, पता चल गया है ना, 10 तारीख से है, 10 नवंबर से है आई थिंक, जो भी है। तो आपका देखिए दिल्ली पुलिस और BSF और आपका असम राइफल, तीन चीज आपका बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप इसीलिए इसका तैयारी करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से अच्छे तरीके से हो सके, आपका थोड़ा सा मोस्ट पॉपुलर चांस बढ़ सके। बाकी जो भी होगा इसके बारे में टाइपिंग वुपिंग का, जो भी किसी का फिजिकल रनिंग चेस्ट हाइट वेट कुछ भी होगा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात हो जाएगा। और फिलहाल आप इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए जो असम राइफल के हैं, इन सब में से किसी के, ताकि कुछ मदद मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।